हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, गेस व्हिच, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर सब्जेक्ट व्हिच इज़ कॉरपोरेट अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आउटकम क्या होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि कंपनी की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, कि कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी को कैसे इशू किया जा सकता है, शेयर्स को कैसे इशू किया जा सकता है, पार पे किया जा सकता है, प्रीमियम पे किया जा सकता है, डिस्काउंट पे किया जा सकता है, या किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। तो और इसके बाद की शेयर का फॉरफीचर एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने है कंपनी की डेफिनेशन एज पर 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि कंपनी क्या होती है। अगर आप किसी सिंपल बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कर देते हैं, सिंपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपके सामने, वो बन जाता है कंपनी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट 2013 एंड अंडर द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है। लेकिन आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि इन अ सिंपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज रजिस्टर्ड एज पर द ड्यूली प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, देन इट बिकम्स कंपनी आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। बहुत सारी आपके सामने टाइप्स दे रखी हैं कंपनी के, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, कंपनी विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एंड OPC एंड होल्डिंग कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। एक एक इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कंपनीज का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें गिवन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का क्या मतलब होता है कि कंपनी के वाइंड अप में, देखो कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है कि जब कंपनी को ज़रूरत पड़े उस वक्त पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गारंटी दे देते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी करनी है, तो ऐसे में चार लोग मिलकर कह देते हैं कि यार हम करेंगे, हम देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी आप टेंशन मत लेना। ऐसे ही इसमें कुछ लोगों का नाम लिखा जाता है और वो जब ज़रूरत पड़ती है उसके मेंबर्स उसको उस टाइम पे पैसा दे देते हैं। एक लिमिटेड गारंटी डिसाइडेड होती है प्रीवियसली। ऐसा ही लिमिटेड बाय शेयर्स है। लिमिटेड बाय शेयर्स में यहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि बंदे गारंटी देंगे, नहीं, जिन लोगों को हमने शेयर्स प्रोवाइड किए हैं वही हमको टाइम पर उसकी प्रोवाइड करवाएंगे। ओके सर, इसके बाद आता है अनलिमिटेड कंपनी। व्हाट इज़ अनलिमिटेड कंपनी? देखिए, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। ऐसी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, क्योंकि कंपनी का कोर फीचर ही क्या है कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ द कंपनीज एक्ट। व्हाट इज़ प्राइवेट एंड व्हाट इज़ पब्लिक? ओके, सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, और पब्लिक के बाद बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करे, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, और इस कंपनी के नियम भी सख्त होते हैं। यानी कि अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं, जहां पे पब्लिक का पैसा लगा हो वो पब्लिक कंपनी है, और जहां प्राइवेट का पैसा लगा हो, यहां दो चार लोगों ने मिलकर के पैसा लगा लिया, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट कंपनी। तो ऐसे केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी के साथ में तो लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के साथ में लिखा जाता है पब्लिक लिमिटेड, या लिमिटेड सिर्फ लिमिटेड शब्द लगा जाए। एक तरीके से जैसे हमारे नाम की कास्ट होती है शर्मा, वर्मा या XYZ जो भी हो सकती है, या किसी का मलिक है, किसी का चौधरी है, तो किसी का गोयल है, या XYZ, देर आर मैनी कास्ट। ऐसे ही कंपनी की भी दो कास्ट होती हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी की होगी प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम कुछ भी हो तो उसके नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड जरूर लगेगा। ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड के साथ में लिमिटेड वर्ड जरूर लगाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। व्हाट इज़ गवर्नमेंट कंपनी? एनी कंपनी इन विच गवर्नमेंट एक्वायर 51% ऑफ द शेयर, देन इट बिकम्स द गवर्नमेंट कंपनी। एंड हु इज़ द गवर्नमेंट इन दिस केस? गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कलेक्टिवली बोथ।
ओके एंड व्हाट इज फॉरेन कंपनी, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड द इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी, एंड कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से ना बनी हो, किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से बनी हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे चैरिटेबल कंपनी कहा जाता है। और ओपीसी क्या होती है, एक नया कॉन्सेप्ट बना है ओपीसी, जिसमें एक ही बंदा होता, कोई दूसरा बंदा नहीं होता, उसी वही डायरेक्टर होगा, वही शेयर होल्डर होगा और उसे अपना एक नॉमिनी बनाना पड़ता। और अब बात करते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी क्या है जी, देखो एक जब कोई एक कंपनी जैसे रिलायंस है, रिलायंस के साथ में आप ये समझ लो जियो, अगर रिलायंस ने जियो में 51% शेयर खरीद ली, अगर रिलायंस ने जियो में 51% शेयर खरीद लिए, तो ऐसे केस में रिलायंस क्या बन जाएगी, होल्डिंग, और जियो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। यानी कि तय करते हैं, जब किसी कंपनी के कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, होल्डिंग, दूसरी क्या बन जाती है, सब्सिडरी। ओके, अब स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जो संसद में एक्ट पास करने के बाद बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी। और इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, जैसे ये समझ लीजिए आप कि हमारी सेबी, एसबीआई हो गया, सेबी हो गया, इनका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से नहीं बनती है, संसद में एक्ट पास करने के बाद बनाई जाती है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है सर, अब एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी का। गारंटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें कुछ लोग गारंटी देते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स में पर्टिकुलर शेयर होल्डर गारंटी देते हैं, अनलिमिटेड कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो उसे अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है, जो अपने नंबर ऑफ मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करती है 200 तक। और क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी कौन सी है, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, प्राइवेट में प्राइवेट का पैसा लगा होता है, दो चार लोगों का, और प्राइवेट के पब्लिक के साथ में पब्लिक लिमिटेड लिखा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो जिस कंपनी में गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है। और फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसके जो इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, बाहर रजिस्टर्ड हो, ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनी हो, उसे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओपीसी कंपनी में एक ही बंदा होता है, वही ऑनर होता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही डायरेक्टर होता है, और उसे अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। इसके बाद होल्डरी सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, तथा दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की। जब कोई कंपनी रजिस्ट्रार से न बन करके, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर ना होकर के संसद से पारित की जाती है, संसद में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जब उसे पास कर देते हैं, तो वो कंपनी बनती है, उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, और इस कंपनी को का मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये कंपनी बनाई जाती है अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।